आज जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, चाहे वो साधारण खिलौने हो या कोई बड़ा बिजनेस सिस्टम, सब में एक कॉमन चीज होती है और वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू प्रोसेसर एक कंप्यूटर चिप है जो एक मैचबुक के आकार के बराबर होती है। पैकेज के अंदर एक सिलिकॉन रेक्टेंगल होता है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट होते हैं। डिवाइस से दर्जनों मेटल पिंस को फैलाया जाता है जिनमें से प्रत्येक चिप से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अंदर से बाहर आ जाते हैं। चिप कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड पर एक सॉकेट में प्लग होता है और सीपीयू के लिए मेमोरी, हार्ड ड्राइव, डिस्प्ले स्क्रीन और अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सीपीयू प्रोसेसर के बारे में सब कुछ बताएंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीपीयू प्रोसेसर है क्या। सीपीयू कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल कंपैरिजंस करता है और डेटा को हर सेकंड अरबों बार इधर से उधर ट्रांसफर करता है। प्रोसेसर, जिसे सीपीयू भी कहा जाता है, एक लॉजिक सर्किटरी होता है जो कंप्यूटर को चलाने वाले बेसिक इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्स और प्रोसेस करता है। सीपीयू को कंप्यूटर के मेन और सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड सर्किटरी आईसी चिप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये अधिकांश कंप्यूटर कमांड को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। सीपीयू सबसे बेसिक अरिथमेटिक, लॉजिकल और आईओ ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करता है। साथ ही कंप्यूटर में चलने वाले अन्य चिप्स और घटकों के लिए कमांड भी देता है। प्रोसेसर को अक्सर सीपीयू ही कहा जाता है, लेकिन सीपीयू कंप्यूटर का एकमात्र प्रोसेसर नहीं है। जीपीयू मतलब कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा कंप्यूटर के भीतर हार्ड ड्राइव और बाकी डिवाइस भी अलग अलग तरह से प्रोसेसिंग का काम करते हैं। फिर भी आम तौर पर प्रोसेसर शब्द का अर्थ सीपीयू ही समझा जाता है। प्रोसेसर पीसी, स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य कंप्यूटरों में पाए जा सकते हैं। आज के टाइम में प्रोसेसर के बाजार में दो मुख्य कॉम्पिटिटर्स है, इंटेल और एएमडी। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रोसेसर के बेसिक एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि इसे जाने बिना हम ये नहीं समझ सकते कि एक प्रोसेसर काम कैसे करता है। एक प्रोसेसर के मूल तत्वों में शामिल है, नंबर वन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कि ALU। ALU भी प्रोसेसर में एक सर्किट होता है जिसे अंक गणित और तर्क इकाई कहा जाता है, जो गणना और तुलना करता है। ये अंक गणित और तर्क संचालन के इंस्ट्रक्शंस को पूरा करती है। अरिथमेटिक के लिए ज्यादातर सीपीयू बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करता है। मुश्किल मैथ्स जैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हाई स्पीड पर किए जाते हैं। ALU दो डेटा आइटमों के बीच तार्किक तुलना भी करता है कि क्या वे इक्वल है या पहला दूसरे से अधिक मूल्य का है। नंबर टू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट माने FPU, जिसे मैथ को प्रोसेसर और न्यूमेरिक को प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक विशेष को प्रोसेसर है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्री की तुलना में अधिक से अधिक तेजी से संख्याओं में हेर फेर और उन्हें सुलझा सकता है। नंबर थ्री, रजिस्टर, ये निर्देश और अन्य डेटा को स्टोर करता है। रजिस्टर्स ALU को ऑपरेशंस की सप्लाई करता है और ऑपरेशंस के परिणामों को स्टोर करता है। नंबर फोर, L1 और L2, कैची मेमोरी, इनका इस्तेमाल रैम से भी तेज गति से डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि CPU ऑपरेशंस क्या होता है। एक प्रोसेसर के चार प्राथमिक कार्य है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। नंबर वन, फैच, ये एक ऑपरेशन है जो प्रोग्राम मेमोरी से रैम के लिए इंस्ट्रक्शंस लेता है। नंबर टू, डिकोड, डिकोड वो जगह है जहां इंस्ट्रक्शंस को डिकोड किया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि ऑपरेशन को जारी रखने के लिए सीपीयू के अन्य भागों की क्या आवश्यकता है। नंबर थ्री, एग्जीक्यूट, ये वो जगह है जहां ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस तरह से एक इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए सीपीयू के हर हिस्से की जरूरत होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या है और ये काम कैसे करता है। एक सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स उसका ALU, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट होता है। ALU और रजिस्टर के जो भी बेसिक काम होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। आप कंट्रोल यूनिट की बात कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट वो है जो निर्देशों को लाने और उसे अमल में लाने का काम करता है। ये प्रोसेसर के बाकी कामकाजी हिस्सों के बीच गतिविधियों का समन्वय करती है। कंट्रोल यूनिट हर इंस्ट्रक्शन को क्रियाओं के एक समूह में तोड़ देता है और सीपीयू के बाकी हिस्सों को क्रियाओं को करने का निर्देश देती है। उदाहरण के लिए कंट्रोल यूनिट ALU को
दो संख्याओं को एक साथ मल्टीप्लाई करने और फिर रिजल्ट में एक तिहाई नंबर जोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकती है। प्रोसेसर एक पर्सनल कंप्यूटर या छोटे उपकरणों में लगा होता है, तो अक्सर उसे माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि प्रोसेसर के एलिमेंट्स एक सिंगल आईसी चिप में मौजूद हैं। कुछ कंप्यूटर मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करके काम करते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक चिप जिसमें एक से अधिक सीपीयू हो। एक सीपीयू आमतौर पर मदरबोर्ड में नीचे की ओर पिंस के साथ लगा हुआ एक छोटा उपकरण होता है। आप जानते हैं सीपीयू प्रोसेसर के काम करने की प्रक्रिया। इससे पहले कि कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जा सके, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एक इनपुट डिवाइस या एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेमोरी में रखा जाना है। एक बार जब जरूरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में पहुंच जाते हैं, उसके बाद सीपीयू हर इंस्ट्रक्शंस के लिए ये चार स्टेप फॉलो करता है। नंबर वन, सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करता है। नंबर टू, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और निर्देश देता है कि जरूरी डेटा को मेमोरी से एएलयू में ले जाया जाए। इन पहले दोनों स्टेप्स को एक साथ इंस्ट्रक्शन टाइम या आई टाइम कहा जाता है। नंबर थ्री, इसके बाद एएलयू अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को सुलझाता है। नंबर फोर, एएलयू रिजल्ट को मेमोरी या रजिस्टर में स्टोर करता है। इस तीसरे और चौथे स्टेप को एक साथ एग्जीक्यूशन टाइम और ई टाइम कहा जाता है। तो चलिए आप जानते हैं कि एक सिस्टम को काम करने के लिए कैसे प्रोसेसर की जरूरत होती है और प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं। आप ज्यादातर प्रोसेसर मल्टीकोर होते हैं, जिसका अर्थ है कि आईसी में दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर शामिल होते हैं, जिससे परफॉर्मेंस को ज्यादा बढ़िया बनाया जा सकता है। ये बिजली की खपत को कम करता है और कई कामों को एक साथ कर सकने में सक्षम होता है। मल्टीकोर सेटअप एक ही कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रोसेसर इंस्टॉल करने जैसा ही होता है, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर वास्तव में एक ही सॉकेट में प्लग लगा दिए जाते हैं, उनके बीच कनेक्शन तेज होता है। ज्यादातर कंप्यूटरों में दो से चार कोर हो सकते हैं, हालांकि ये संख्या 12 कोर तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर सीपीयू एक बार में एक ही निर्देश के सेट को प्रोसेस कर पाता है, तो इसे सिंगल कोर प्रोसेसर माना जाता है, और अगर सीपीयू एक बार में दो सेट निर्देशों को प्रोसेस कर पाता है, तो इसे ड्यूअल कोर प्रोसेसर कहा जाता है। इसी तरह चार सेट को क्वाड कोर प्रोसेसर माना जाएगा। जितने ज्यादा कोर एक कंप्यूटर को एक बार में, उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। कुछ मल्टी थ्रेडिंग का उपयोग करते हैं, जो वर्चुअलाइज्ड प्रोसेसर कोर का उपयोग करता है। वर्चुअलाइज्ड प्रोसेसर कोर को VCPU कहा जाता है। ये फिजिकल कोर जितने पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन वर्चुअल मशीन्स VM में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अनावश्यक VCPU को जोड़ने से कंसोलिडेशन रेशियोज को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए हर फिजिकल कोर के साथ ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 VCPU होने चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।